नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पानी पूरी बनाएंगे, इसे पुचका भी कहते हैं। इसके लिए हमने ये 100 ग्राम सूजी ली है, 50 ग्राम मैदा, 50 ग्राम गेहूं का आटा। सबसे पहले हम इस सूजी को बड़े बाउल में डाल लेंगे, आटा भी डालेंगे इसी में और मैदा, ये तीनों चीजें हम अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे और इससे हम एक टाइट डो लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक टाइट डो लगाना है हमको। ये देखिए, हमने आटा मार के तैयार कर लिया और ये देखिए अभी सॉफ्ट है क्योंकि इसमें हमारी सूजी पड़ी हुई है। सूजी फूलती है, इसको हम एक घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे, तब हम पानी पूरी बनाएंगे। एक घंटे के लिए हम इसको रख देते हैं। एक घंटा हो गया है हमारा ये फूल के। देखिए इस तरह का टाइट डो हमारा सॉफ्ट भी इस तरह से है जिससे हम आराम से बना पाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा तेल मिलाएंगे। देखिए ये हमने थोड़ा सा इसमें तेल लगाया और इसको हम अच्छी तरह से रगड़ देंगे, खूब अच्छी तरह से इस तरह से मल लेंगे। ये देखिए हमने इसको ये तेल लगा करके इसको अच्छी तरह से मल लिया। अब इसको हम 5-10 मिनट के लिए फिर रख देंगे, उसके बाद हम इसमें से लुई काटेंगे। इसे 5-10 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से रख देंगे। 10 मिनट हो गए और हम इसमें से लुई काट लेंगे। देखिए इतनी बड़ी बड़ी हम इस तरह से लुई काट लेंगे। और एक बार इसमें हम थोड़ा सा फिर से तेल लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से स्पर्श कर देंगे। ये सब में अच्छी तरह से तेल लग जाएगा। ये देखिए इस तरह से लग गया। अब हम इसकी लोई काटेंगे छोटी छोटी। ये देखिए इस तरह से हमको इतनी छोटी छोटी लोई काटनी है और इसको काट काट के इस तरह से रख देंगे। ये देखिए मैंने सभी लुई काट ली है। अब इसमें हम ये थोड़ा सा ये तेल मिला देंगे और इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हम इस तरह से लुई कर लेंगे, इसकी गोल गोल लुई कर लेंगे। अब ये एक पन्नी ली है, ये देखिए एक पन्नी ली है, इसी पर हम डालेंगे, बना बना कर डालेंगे जिससे कि हमारी ये सूखेंगी नहीं। इस तरह से हम सभी लुई काट लेते हैं। इस तरह से हम लुई गोल गोल कर लेंगे, फिर बेलना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से हमने कर ली और अब हम इसको बेलेंगे। तो हमें इस तरह से बेलनी है। देखिए ये देखिए हमारी बिल के तैयार होगी और इसको हम इस पे डाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने बेली। ये देखिए और इस तरह से हम इसको डालते जाएंगे। इसी तरह से हम सभी बेल के तैयार करेंगे। हमारी सभी पानी पूरी बनकर के तैयार है और हम इसको इस तरह से ढक देंगे और एक घंटे के बाद हम इसको सेंकेंगे, तलेंगे। एक घंटे के बाद, एक घंटे हम इसी तरह से पड़ी रहने देंगे। उसको ढक दिया है इसलिए कि ये सूखे नहीं। हमारी घंटा हो गया है, ये हमारी तैयार है। हम इसको खोल देंगे और हम सेंकना शुरू करेंगे। देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम सेंकना शुरू करेंगे। ये देखिए ये हमारा सिक्के तैयार हो गया है। कलर देंगे इसको। इसी तरह से हम और डालेंगे। जब हम सेकेंगे तो हमें क्या करना है, ये हमारा हिस्सा नीचे का है तो हमें जब डालेंगे हम घी में तेल में तो हमें सीधा इसी तरह से डालना है, हमें पलट कर नहीं डालना है। इस तरह से ही हम डालेंगे जिससे कि हमारा फूलेगा। ये देखिए
हमारे कितने फूले फूले बन करके तैयार हो रहे हैं, देखिए कितने फूले फूले बने हैं। ये देखिए सीख गए, हम उनको निकाल लेंगे। देखिए कितने फूले फूले बने हैं। देखिए हमारी सभी पानी पूरी बनकर के तैयार है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया बनी है। देखिए आपको हम तोड़ के दिखा रहे हैं इसको, ये देखिए कितनी आवाज कर रही है, बहुत ही बढ़िया बनी है। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब और करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।